सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। एक्चुअली अभी हम लोग आए हुए थे ऊपर वाले फ्लोर पे, कुछ काम रह गया था तो उसको हम लोग करने के लिए भेजा गया था, कुछ सिस्टम में अपडेशन के लिए बाकी रह गए थे तो हम लोग आए थे उस काम करने के लिए। और बताना चाहूंगा इस वक्त अभी बज रहे होंगे रात के 3। काम तो हो ही नहीं रहा यार, हमें लग रहा है कि इस समय सिस्टम अपडेट नहीं हुआ होगा। चलो कोई नहीं, पर यार यहाँ पता है जाने दो, 3 बज रहा है रात के और आज दिन भी अमावस्या का है भाई साहब। यहाँ ज्यादा टाइम तक फ्लोर पे रुकना नहीं है। अगर बोले तो मेरे पास एक कहानी है। नहीं, आज के दिन नहीं, आज के दिन कोई कहानी नहीं। इस वजह से यहाँ की चीजों के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने सुनी है एंड फील भी किया है, मैंने खुद फील किया है। बाकी चीजें तो मैं नहीं कहूंगा, ये आप लोग से अच्छा कोई नहीं जान सकता। मैंने इसके ऊपर एक रिसेंटली वीडियो डाला था और वो पता नहीं कहाँ से उसमें आ गया, पर ये चीजें हैं। पर अभी 2 बज रहा है भाई, सच बताऊं वो कहानी सुन लो, वो रियलिटी है जो मेरे साथ बीती थी आज का दिन। बाप रे बाप, डर मुझे भी लग रहा है, गूज़बम्प्स मेरे भी हाथों में उड़ेंगे, आप देख रहे होंगे। डर लग रहा है क्योंकि हम लोग को पता है जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं यहाँ ज्यादातर रुक नहीं सकते हम लोग, खतरा ही खतरा है बहुत ज्यादा। फील किया मैंने। वो कहानी तुमको मैं सुनाऊंगा और अगर आप लोग चाहे तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि कहानी रियल बेस है और ये शायद मुझे ही फील हुआ था कि वहां उस वक्त क्या हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। क्रॉस फिंगर, कोई इश्यू नहीं है। गूज़बम्प्स रिलेटेड क्रॉस एंड क्रॉस फिंगर। तो अपनी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था, हम और मेरा फ्रेंड निखिल हम लोग जा रहे थे मुंबई टू लोनावला। जिस समय मुंबई में रहते थे तो हम लोग को जाना था लोनावला, ठीक है। तो ये हुआ था, पहले हम लोग प्रेफर करने वाले थे कि 4-व्हीलर प्रेफर करेंगे, जाएंगे तो 2-3 फ्रेंड्स के साथ जाना था। तो इशू ये हुआ कि 2 लोग पहले ही वर्कआउट कर गए तो सिर्फ 2 लोग थे, ऐसे घूमने के लिए जा रहे थे हम लोग। तो हमने नॉर्मली एक बाइक लिए, तो रात की ये थी कि हम लोग रात में निकलेंगे, आराम से सुबह तक पहुंच जाएंगे, घूम के वापस रिटर्न कर जाएंगे मुंबई, क्योंकि नेक्स्ट डे पे हम लोग ऑफिस भी जाना था आफ्टर इवनिंग। तो अब हम लोग निकल गए, मतलब एटलीस्ट घर से निकलेंगे मुंबई से 12 बजे अप्रॉक्स में हम लोग जो है निकले। तो मुंबई टू लोनावला जाने के बीच में कुछ ऐसे रास्ते आते हैं कि हाईवेज रहेंगे, प्रॉपर हाईवेज है और हाईवेज तुम रात में जा नहीं रहे हो, पूरी तरह से सुनसान रहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर आपके एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो कोई चांस नहीं है कि आपको कोई बचा ले। सुबह नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो हुआ कुछ ये कि हम लोग बाइक से थे, ठीक है। अक्सर जैसे नहीं, आप कुछ रोड जब आगे बढ़ते हैं तो गाड़ियों को आना जाना खत्म हो जाता है, फिर आपको लगता है आप ही अकेले सुनसान जगह पर गाड़ी चलाए जा रहे हो, तो वहां पर भी कुछ ऐसा सीन था। तो हम लोग गाड़ी लेकर के जो है आगे बढ़े जा रहे थे, तो दिक्कत कभी कुछ नहीं हुई, हम लोग एकदम मस्त गाना चिल मारते हुए जा रहे थे। तो पीछे से एक गाड़ी की आवाज आई, हॉर्न की, मतलब साइड होने के। तो हम लोग भी अपनी गाड़ी साइड में कर ली भाई कि 4-व्हीलर वाला आगे निकल जाए, तो वो आगे निकल गया। तो ये तो बहुत कैजुअल थिंग्स थी जो होती है। आगे आके 2-वे रोड हुआ, एक रास्ता इधर जा रहा था, एक रास्ता उधर जा रहा था। तो हम लोग को जाना था लेफ्ट और उस गाड़ी को निकलना था राइट। तो जस्ट वैसे ही हुआ, मुझे गाड़ी का अभी भी याद है क्योंकि गाड़ी कुछ अलग यूनिक तरह की थी, क्योंकि गाड़ी स्कोडा टाइप की थी और बीच में व्हाइट कलर की पूरी गाड़ी थी और मिड से उसके बीच से पूरा ब्लैक कलर का प्रिंटेड था और पूरे रोड पे वही एक गाड़ी थी पूरी जीटी रोड पे। हम लोग ने लेफ्ट टर्न लिया और उसने राइट टर्न ले लिया, ठीक है। तो हम लोग जब ये रियलिटी बता रहे हैं जो हुआ मेरे साथ, हम लेफ्ट टर्न से हम आगे बढ़ रहे हैं, एटलीस्ट 2.5 मिनट के बाद, जस्ट दो मिनट के बाद ही वो गाड़ी हमें उसी रूट पर आगे दिखी, और वो 1-लेन रोड थी। बाप रे, कहीं और से कोई रास्ता नहीं, कोई और रास्ता नहीं, वो गाड़ी हम लोग के आगे थी, ठीक है। तो हम अपने फ्रेंड को बोले ये चीज कि हमने भाई यही गाड़ी है वो, तो हमको बोला नहीं यार ये गाड़ी वो नहीं है। तो हम बोले ये बता दो एक्चुअली गाड़ी नहीं है तो अभी तक कहाँ थी ये कहाँ से आ गई। तो वो मेरी बात को नहीं माना, वो अपने मस्त मूड में था, बोला नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम बोले हमको भी लगा शायद मेरा वहम हो, तो हम लोग आगे निकल रहे। तो उस गाड़ी को हमने पीछे, मतलब स्पीड बढ़ा करके वो गाड़ी पीछे हो गई, हम लोग गाड़ी लेकर के आगे बाइक लेकर निकल गए। 5-10 मिनट के बाद वो आता है, एक टनल टाइप में जब पूरा अंधेरा हो जाता है, साला खुद रात था, पूरा अंधेरा टनल टाइप का हो गया। अब उस टनल में यार आप अगर गाड़ी लेके जाओगे तो हेडलाइट की जो है बत्ती दिखेगी आपको, और 2-3 गाड़ियां तो साफ समझ में आती। तो हम लोग की गाड़ी थी, बाइक का लाइट जल रहा था, हम लोग टनल पार करके निकल रहे, वो गाड़ी फिर हम लोग के आगे थी। वहां पर रियलिटी अब तुम बता रहे यार, मेरी हालत सही में खराब हो गई। या तो वो बंदा कुछ कहना चाह रहा होगा, जो भी होगा भाई, जहां से हुई आ रहा था वो बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि बार बार वो आगे कैसे निकल जा रहा है। मेरा दोस्त के अंदर मतलब ये था कि भाई
विल पावर मजबूत कर गए थे हम लोग, दिमाग में ये कुछ नहीं रखे थे कुछ होगा ऐसा कुछ। हम लोग बोले जो भी होगा देख लिया जाएगा, बात कर लिया जाएगा। तो हम बोले भाई तुम एक काम करो, तुम रखो, हम पूछ लेंगे क्या रिसेंटली पूछना था भाई क्या बात है। तो हम लोग गाड़ी को जो हाथ दे करके रोका, ठीक है, गाड़ी वाले रुका भी, रुका, हाँ फोर व्हीलर रुका। तो हम गए अंदर, मतलब नहीं बाहर खड़े होते तो उतना मिरर डाउन के हमने, हम यही पूछे हमने भैया आपकी गाड़ी आगे कैसे निकल रही है, या तो कोई आपको शॉर्टकट पता हो तो हम लोग को बता दीजिए तो हम लोग भी शॉर्टकट से जल्दी पहुंच जाएंगे, या फिर आप परेशान करना चाह रहे हैं तो वो बता दीजिए, क्योंकि और कोई रोड पे था नहीं। तो हम लोग को लगा शायद उस पर चोर डकैत या कुछ ऐसा टाइप का कुछ होगा वो, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो वो जब मिरर डाउन हुआ तो अंदर दो लोग बैठे हुए थे, ठीक है, एक बंदा जो ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था और एक बंदा बगल में बैठा हुआ था। तो जो ड्राइवर बैठा हुआ था वो एकदम कैजुअली हमको साउंड किया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाइए। वो एक्चुअली क्या था कि हम लोग मतलब किसी और को देखना चाह रहे थे, पर आप लोग वो लोग नहीं है, ये बात उसने बोली। और जो उसके बगल वाला बंदा था एकदम म्यूट होकर के, एकदम शांत होकर के वो बैठा हुआ था, उसने कुछ भी नहीं बोला, वो सिर्फ देख रहा था, सिर्फ देख रहा था। मतलब कुछ ऐसा ना जैसे किसी के अंदर सांस ना हो, किसी के अंदर बस हाँ नॉर्मल कुछ देख रहा हो, कि अगर आप उसको देखेंगे तो आपको डर लग जाएगा यार ऐसे मर गया कि क्या बात है उसमें, पर वो जिंदा था, ठीक है, वो देख रहा था। उस बंदे जब उसके ड्राइवर वाली सीट वाले बंदे ने मुझसे बोला कि कोई बात नहीं आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नहीं परेशान कर रहे आप लोग को। वहां पर हम और मेरा दोस्त पीछे खड़ा था बाइक पे, और वहां पे हम लोग निकले, वो गाड़ी वाले पीछे रह के हम लोग गाड़ी आके निकले। तो अपने दोस्त से हम डिस्कस कर रहे थे ये चीज, हमने यार सब कुछ ठीक था, चलो ठीक है, वो क्लियर कर दिया कि मतलब किसी और के लिए वो पीछा कर रहा था जो भी है। वो बगल वाले आदमी को तुम देखे जो अजीब से मुंह बना के बैठा था, वो पता है हमसे क्या बोला मेरा दोस्त, कौन आदमी पता है भाई अतुल मेरी हालत खराब हुई, ये चीज मेरी हालत खराब हुई, हम लोग तुम मजाक कर रहे हो हमसे। और उस समय हमको अभी भी याद है नेट तीन बज रहा था, जिस समय हम की बात उस अभी मेरा एकदम काफ रहा है, 3 बजे थे उस रात में। हम उसको बोले हमले यार मजाक करो मेरे साथ, हमले बोला भाई आकाश हम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ड्राइवर था उसके अंदर। हम बोले गाड़ी रोको पहले, हम बोले भाई हम दो लोग को देखे, एक उसके बगल में बैठा हुआ था, और बोले नहीं सिर्फ ड्राइवर था। हम तुमको 100% श्योर बोल सकते वो बंदा अंदर बैठा हुआ था, सिर्फ आपको दिख रहा था। उसके बाद से मतलब हनुमान चालीसा पढ़ डाले दोनों लोग मिलकर, क्योंकि उसको बिलीव हो गया था कि चीजें कुछ थी वहां पर। कैसे कैसे करके हम लोग 6 बजे तक वहां टच करके जहां हम लोग को पहुंचना था, और गॉड ग्रेस भैया जैसे पहुंचे पहले मंदिर वंदिर के दर्शन किए फिर जाकर के घर पहुंचे। मेरा भी डर लग रहा है ऊपर से, हम लोग नीचे चला जाए।